जीवन सिंह की जरूर परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, जिसके चलते आप लोगों को हर दिन नए नए वचनों के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को सिखाते हैं। आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, मैं भी सीखती हूँ, आप लोगों को भी सिखाए। हालेलुया। हम जानते हैं कितने लोग इससे आप लोगों को यूजफुल है, जरूर इसमें आप लोगों के जीवन में इस वचनों को आप अध्ययन करते हैं, इसके बाद हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं इस वचन जरूर आप लोगों को प्रचार कर देते हैं, बाइबल स्टडी ले लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बैठ करके सुनती हूँ, सुन करके फिर हम सोचते हैं कि अपने जीवन में भी इस बातों को लागू करने के लिए हम प्रयास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लगातार परमेश्वर हमारा जीवन, हम नहीं जानते हैं कितना दिन तक यूसुफ के जीवन के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। ऑलरेडी पार्ट एक हो चुका है, आज पार्ट टू, भाग दो में हम लोग यूसुफ का जीवन से हम लोग सीखने समझने जा रहे हैं। जरूर बहुत लोग बाइबल पढ़ते हैं एक्सप्रेस जैसा पढ़ के चली जाते हैं, क्योंकि पढ़ना है ऐसे, सो नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेंगे तो अरे आपने आप लोगों को आशीष नहीं देगा, दंड मिलेगा, कभी कभी ऐसे हो जाता है, पढ़ना है नहीं पढ़ेगा तो प्रभु गुस्सा हो जाए, ऐसे करके किसी किसी के विचार के द्वारा लोग पढ़ते हैं। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, एक जनक से बोले कि हम पढ़ लेते लेकिन समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं कि इधर उधर करके हम एक स्टार्टिंग से तो नहीं है, इधर उधर करके हम किसी किसी के जीवन के द्वारा आप लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। पिछले दिनों में दाऊद दरबार में हम लोग सीखे, फिर उसके बाद रूथ के जीवन से हम लोगों ने सीखा, अभी यूसुफ के जीवन से हम लोग सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। पिछले बार पार्ट वन में हम लोगों ने देखा उसके परिवार के बारे में हम लोग जाना, और इसके अलावा उसका दर्शन, उसका तो स्वप्न जो देखा उसके बारे में हम लोग सुना था। दो प्रकार के स्वप्न उन्होंने देखा कि उसके बारे में हम लोगों ने पिछले बार सुना था कि खेत में फूल जो है फूले जो है तो हम लोग खेत में कटनी के बाद वो बांधते हैं ना, वो बारह बेटा है तो बारह है, लेकिन एक तो खड़ा है, बाकी ग्यारह वो दंडवत करके एकदम ऐसे दंडवत करने के जैसा इन्होंने एक स्वप्न देखा। फिर उसके बाद देखा कि सूर्य चंद्रमा इसके अलावा ग्यारह तारागण उसके सामने दंडवत, एक तारा के सामने दंडवत करने के जैसा, यानी उसके सामने दंडवत करने के जैसा इन्होंने स्वप्न देखा। ये तो अपने भाई लोगों से, अपने माँ बाप से बोल दिया, जिसके चलते उन लोगों को बहुत क्रोध हुआ, और इसके अलावा इसके भाई लोग उसके ऊपर गुस्सा में था, बात नहीं करता है। 11 में हम देखते हैं साइंटिस्ट का 11 में उसके भाई तो उससे ढा करते थे, पर उसके पिता ने उससे उसके उस वचन को स्मरण रखा। जरूर पिताजी ढाते थे, हजरत उसके किए, लेकिन उसको मन में रख लिया, क्योंकि यूसुफ को बारे में पिता को मालूम है जरूर परमेश्वर इसके जीवन में कुछ ऐसा काम करेगा, है ना। इसीलिए हम देखते हैं कि पिछले बार 1 से 11 तक हम लोगों ने अध्ययन किया, आज 12 से 28 तक हम लोग देखेंगे। इसके बाद जैसे पवित्र आत्मा जैसे टाइम हमारा साथ देगा उस हिसाब से आगे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे 12 से 28 तक को एक दिन फटाफट पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़िए उसकी भाई अपने पुत्र की भेड़ बकरियों को चरने के लिए सेप्टेम हो गए, तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, ये भाई सेप्टेम की मेरी भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझसे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो है, फिर मेरे पास समाचार लिया। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह सकीम में आया, और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है।
इसलिए था मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ। कृपा मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। इसलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान भी पाया। यहाँ तक उसके बाद हम फिर पढ़ेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ को उसके पिताजी यानी याकूब, दूसरा एक नाम मैंने बताया पिछले बार, याकूब का नाम एक और क्या नाम है, इसराइल, इसराइल करके नाम, ठीक है, क्योंकि यूसुफ याकूब जो है उसके माता पिता ने उसको नाम दिए, लेकिन इसराइल किसने दिया नाम, परमेश्वर ने दिया, ठीक है, उसके बारे में हम पिछले बार बताए। फिर यहाँ हम देखते हैं कि और उसके भाई अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकीम हो गया। यहाँ हम देखते हैं यूसुफ का भाई लोग अपना पिता का भेड़ बकरियों को लेकर के शकेम करके एक जगह है वहां पर एब्रोन से वहां लेकर के, क्योंकि उन लोगों के पास एक दो भेड़ बकरी नहीं रहता है, सैकड़ों में उन लोगों के पास भेड़ बकरी रहेगा, एक जगह में चराएंगे क्या होगा, खत्म हो जाएगा एक ही बार में, दोपहर तक खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं लोग, ऐसे ही लेकर के इधर से उधर उधर से उधर करके उन लोग निकलते रह जाएंगे, लेकिन उन लोग वापस घर पे नहीं आएंगे, बहुत कम सिर्फ लड़के लोग आ सकते हैं, लेकिन भेड़ बकरियों को लेके नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उतना जगह इन लोगों को घर में लेके रखने के लिए भी उतना पास नहीं होगा। कि जहाँ इन लोग जाते हैं चराने के लिए वहीं पर क्या करते हैं, वहीं ले जा करके उसको छोड़ देंगे, वहां पर कुछ लोग रहेगा, रात दिन वहां पर संभालेगा, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कि इसके बाद लोग शकीम गए चराने के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके पिता बुला सकते अपना बेटा यूसुफ को बुला देंगे, 10 भाई लोग गया, 2 ने नहीं गया, कौन कौन है, यूसुफ और बेंजामिन नहीं गया, क्योंकि बेंजामिन छोटा था, यूसुफ को नहीं भेजा, वो भी छोटा था, इधर भी थोड़ा सा क्या हो गया, भेदभाव, छोटा बेटा है घर में रखे, मैंने कभी कभी किसी किसी घर में क्या हो जाता है, माँ बाप ही खुद अपने बच्चों के बीच में झगड़ा फंसाने के काम करते हैं। ये बेटा प्रिय बेटा था, क्या पता नहीं किस कारण से अपने बेटा को यूसुफ को घर पे रख लिए, बाकी 10 जनों के साथ क्या कर दिए, भेड़ बकरियों को दे करके बेच दिए, जाओ उन लोगों को चराओ करके लोग ले करके चले गए। और उसके बाद उसके पिता सोचते हैं, तब इसराइल ने यानी याकूब ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई तो शकेम में ही भेड़ बकरियों चरा रहे होंगे, तुम्हारा भाई लोग शकेम ले गए हैं, लगता है वहीं पर ये लोग चरा रहे होंगे, सो अच्छा मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं आज ही हूँ, जो आज्ञा आप देंगे मैं करूँगा, इन्होंने ये नहीं किया, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ऐसे नहीं किया, इनके अंदर वो घमंड नहीं था, ठीक है पिताजी मैं जाऊँगा करके वो क्या किया, अपने पिता को बात को सुन करके वो क्या किया, निकल पड़ा, निकल गया। निकलने के बाद क्या उसने उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो है, फिर मेरे पास समाचार ले आ, जा करके देखो भाई लोग ठीक ठाक से है, भेड़ बकरियां सब ठीक ठाक से है, ठीक ठाक से है क्या है करके देख करके मेरे पास वहां का कुशल, वहां की अच्छे खबर को ले करके आओ करके। उसके पिताजी उसको क्या करते हैं, एब्रोन की तराई में विधा कर दिया, बेटा तुम जाओ, तुम अपने भाइयों को देख करके चले आओ करके। वो वहां शकेम में आया और वो क्या किया, एब्रोन से ले गया शकेम में जाकर के देख रहा, वहां पर भाई लोग नहीं है, पूरा घूम घूम के देख रहा है कि भाई लोग दिख नहीं रहा है। तब क्या हुआ, वहां एक मनुष्य आकर के उसको मैदान में इधर उधर ताकने का उधर उधर भटकते हुए भागकर उससे कहा, उससे पूछा तू क्या ढूंढता है बाबू, तू क्या देख रहा, कभी कभी हम लोग कहीं जाते हैं तो एकदम बेरम बेबे हो जाते हैं, नया जगह में कहाँ आ गए क्या है, कभी कभी अच्छे लोग आकर के पूछते हैं ना, वैसे इनसे भी पूछते हैं। तो उसने कहा कि मैं तो अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपा कर मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उसे पूछते हैं तो वो बोलता है कि देखो उस मनुष्य ने कहा वे तो यहीं से चले, यहाँ से वो लोग चले गया, शकेम से वो लोग चला गया,
चला गया और मैंने उन लोगों को मैंने उनको कहने सुना कि अब हम दोतान को चले, दोतान मतलब वह दूसरा जगह है वहां पर ले जाएंगे। वे उसके बारे में लोग बात करने लगे। तो यूसुफ अपने भाइयों के पास चला और उन्हें दोतान में पाया। वो सिक्किम में नाम लिख लीजिएगा, हम कुछ भी सकते हैं अगले बार, जैसे इस बार आपको लिख करके दिए वॉइस मैसेज कैसे नहीं होगा, एक एक क्वेश्चन पूछेंगे और इस हिसाब से आप लोगों को आंसर देना होगा। ठीक है, ठीक। बड़ा दिन बड़ा दिन आ रहा है, क्रिसमस आएगा, उस समय जो अच्छा से अच्छा प्रश्न का उत्तर दिया उसको क्या मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा उस हिसाब से। ठीक है, और उन्होंने उसे दूसरे से आते देखा, वहां जाओ उसको देखा, उसका भाई दूर से देख रहा कि कौन यूसुफ को दूर से भाई लोग यहाँ बैठ करके लोग बैठ बोलते चला रहा है, दूर से जो देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने की युक्ति कर दिया। देखिए उसको दूर से ही देख करके ये लोग प्लान बना रहा, क्या प्लान बना रहा था, आ रहा है रुको सोपन देखने वाला, आप आओ तुम कितना सोपन तुम्हारा पूरा होगा इसमें पता चलेगा, आओ ये लोग आपस में लोग बात कर रहा है, उड़ा रहा है, बात करने लगा गुस्सा में इन लोगों का, अंदर ये नहीं मेरे भाई आ रहा है इतना जंगल में चाहे गाड़ी में दो करके चली आया हम लोग से मिलने के लिए, उससे कोई मतलब नहीं है, इन लोगों का अंदर गुस्सा क्या है, अच्छा रंगीन कपड़ा पहन के आ रहा है एकदम रंगीन रंगीन कपड़ा, पिताजी का बहुत दुलारा है तुम ना, आओ आओ क्या करेंगे करके ये लोग आपस में उसके आने से पहले क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको मार देंगे, ऐसा करके लोग आपस में बात करने लगे। और वे 19 मिली कभी आपस में कहने लगे, देखो ये स्वप्न देखने वाला आ रहा है, देख 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 मजाक करने लगा, देख 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 स्वप्न देखने वाला आ रहा है, ऐसा करके ये लोग मजाक करने लगा। सो आओ हम उसको खा करके किसी गड्ढे में डाल देंगे, वो पास में पहुंचा ही नहीं है, ये लोग उसको गुस्सा में मार रुको रुको उसको छोड़ेंगे नहीं, इसको मार देंगे और पास में आने के पहले कर रुको इसको मार देंगे, घात कर देंगे और इसको गड्ढे में डाल देंगे और यहाँ और कह देंगे कि कोई दुष्ट, ये लोग देखिए उसको मारने से पहले वो पास में आने से पहले दूर से ये लोग प्लान बना, हाँ आ रहा रुको उसको क्या करेंगे घात कर देंगे, गड्ढे में गिरा देंगे और इसको पता नहीं से जाके बोलेंगे कोई जंगल जानवर ने क्या कर दिया इसको खा दिया खा लिया, ऐसे करके पिताजी से बोलेंगे और कहा फिर हमें देखेंगे कि उसके सोपन का क्या फल होगा। मैंने इन लोगों का अंदर इतना गुस्सा है इतना जलन है उसका प्रति, देखते हैं सोपन देखता है, कभी कभी हमारा घर में कभी कभी अपने परिवार में हो सकता है जहाँ काम करने की जगह में हो सकता है, आपका जीवन से अच्छा किसी को अच्छा लगा आपको प्रमोशन मिलेगा, चाहे आपको अच्छा काम देंगे, चाहे आपको कुछ ऐसे बोनस देंगे, चाहे आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ये करेंगे आपको देंगे, लेकिन बाकी लोगों का अंदर क्या हो जाएगा, अच्छा इससे ज्यादा प्रेम है उनको इसको फंसाएंगे, ऐसे करके कई कंपनीज में कई काम करने की जगह में ऐसा होता है, किसी को आप ज्यादा बढ़ावा दीजिएगा, किसी को आप ज्यादा तारीफ कीजिएगा क्या हो जाएगा उसको ये लोग दूसरे लोग गड्ढा खोदना शुरू कर देगा, अच्छा तुमको बहुत ज्यादा तारीफ हो रहा है रुको तुमको नहीं छोड़ूंगा, ऐसा यहाँ यूसुफ के साथ हुआ, इसको छोड़ना नहीं है इसको क्या करना है मार देना है और पिताजी के पास जाकर बोल देंगे कोई पशु अच्छा कैसे देखता देखेंगे इसको सुपर क्या है करके देखेंगे। तो क्या हुआ ये सुन के रूबन ने उसके उनके हाथ से बचाने का मनसा से कहा हम उसका प्राण से तो ना मारे, रूबन तो बड़ा भैया है उसको उसका प्रति कुछ मन ये प्रेम था, नहीं 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 मारो मत वो तो हमारा भाई है उसको कुछ नहीं करना है, तो फिर वो सोचता है कि इन लोगों का क्रोध को तो हटाना है ना क्योंकि घर का बड़ा भैया है, अभी घर घर में होता जो बड़े होते हैं ना उन लोगों का अंदर थोड़ा सा अपने घर में इन लोगों के प्रति थोड़ा सा एक कॉर्नर में उनके प्रति प्रेम रहेगा क्योंकि ये बड़ा है इसको जिम्मेदारी होती है अपने छोटे भाई बहनों को पालना उन लोगों को पढ़ाना उन लोगों को संभालना, ये वैसे ही इस रूबन के मन में क्या हुआ अरे कुछ भी तो है ये तो हमारा भाई है
अब माँ भी तो नहीं है, माँ भी तो मर गई, अभी ये तो बेचारा इसको मार देंगे तो क्या होगा, इसीलिए क्या करेंगे इसको बचा लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, उन लोगों का गुस्सा को ठंडा करने के लिए क्या बोला, ठीक है काम करेंगे, क्या करेंगे बोला। तो ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगी हंग रखा जिससे वो पहने हुआ था उधार लिया। आपने क्या किया, उसका कपड़ा को उठा लिया और यूसुफ को उठा कर, क्योंकि उसको भाई को बोल दिया, क्या सोचा था क्या करेंगे इसको गड्ढे में गिरा देंगे, फिर इन लोगों को गुस्सा थम जाएगा, तब तक क्या करेंगे इसको किसी भी हालत में बचा करके पिताजी के पास पहुंचा देंगे। इस विचार के साथ भैया ने ऐसा रूबन भैया, रूबन जो भैया उसका था वो बोल दिया, तो तुरंत हाथ से ही क्या किया उसका कपड़ा उतारा। देखिए इसके अंदर कितना क्रोध है, बस उसका कपड़ा जो पहना था उसको उखाड़ना है। हमारा जो हमारे लिए जो परमेश्वर चाहे हमारा जो हम काम करने के जगह में जो हमारा हमारा ऊपर जो रिस्पेक्ट रखता है इसके बारे में कुछ ऐसा गलत बात बोल करके इसको क्या करेंगे, एकदम पहले उसके बारे में क्या करेंगे गलत सलत बोल करके इसको उठा देंगे। हाँ ये आप सोचते हैं बहुत विश्वास ये चोर है या ऐसे बदमाश है, ऐसे बोल करके लोग ये कैसे काम करते हैं, सोचा अच्छा अच्छा पापा तुझे बहुत प्रेम करता है ना, रंगी रंग बिरंग कपड़ा पहनाया ना लोगों, ऐसा करके सबसे पहले उन लोगों का नजर उस कपड़ा के ऊपर पड़ा, उस कपड़ा को लोगों ने उतारा और यूसुफ को उठा कर गड्ढे में डाल दिया। उस गड्ढे में ना पानी था कुछ नहीं था, एकदम सूखा था, ऐसा ऊपर से फेंका होगा कि सोचा हो सकता 10-20 का फीका नीचे होगा उसमें बिच्छू होगा, सांप हो सकता है और कुछ ऐसा कीड़े मकड़े हो रहा होगा, क्योंकि तो पुराना सा ये कुआं जैसे था, उस गड्ढे में तो सूखा था और उसमें कुछ जल नहीं था। तब वे रोटी खाने को बैठे, देखिए भाई को मैं गिरा दी, अब ये लोग मजे में है, मैं क्या कि ना भाई भैया बचाओ भैया बचाओ करके चिल्ला रहा रो रहा, उसका दुख उनके अंदर नहीं सुनाई दिया, उनका दुख को उन लोगों को मजा आ रहा है, वो चिल्ला रहा है रो रहा है उसका दुख के बारे में, उसको रोना उसके कान में उन लोगों के लिए क्या रह रहा होगा, म्यूजिक जैसा रहा होगा। अच्छा इसको सता रहे, इसको ये भी नहीं है कि मेरा अपना खून का भाई है, इसके साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि इसके पिताजी से इतना प्रेम करते हैं, पिताजी को जान जाएंगे कि बेटा कैसा हो रहा है तो पिताजी मर ही जाएंगे, लोग मालूम है थौ पर भी उनके अंदर इतना क्रोध था, उठा करके फेंक दिया और बैठ करके क्या कर रहे हैं रोटी खाने बैठ गया और आम उठा कर क्या देखा कि फिर इसके बाद रोटी खाने बैठ गए, फिर इसके बाद खा रहे थे तो देख रहे हैं कि वहां पर इश्माइल के एक दल ओट पर सुगंध द्रव्य बलसान और खंदरस लादे हुए गिलास से मिश्र को चल जा रहा था। वहां पर वो लोग निकल रहे थे ओट में बैठ करके, बिजनेसमैन लोग क्या कर रहे हैं इश्माइल से क्या इस्माइलियों ने क्या किया वो ऊंट पे बैठ करके वो लोग बिजनेस करते हैं, वो लोग अपना घर लौट रहा है मिस्र देश लौट रहा था, देख करके लोग इतना दुष्ट इन लोगों का अंदर जो प्लान है क्या किया। तब योदा ने तो वहाँ एक और भाई था चौथा भाई था यहूदा, यहूदा ने अपने भाई से कहा अपने भाई को घात करने का और उसको खून छुपाने से क्या लाभ है, उसको मार गए उसको खून निकालना इससे हमारा क्या लाभ है, उसका मन थोड़ा उसका अंदर भी थोड़ा सा दयाया आया और कहा हो हम उसे इन लोग क्या कहे इश्माइलियों के हाथ में बेच डाले और अपना हाथ उस पर ना उठाए, उसके ऊपर हम हाथ नहीं लगाएंगे, उसको मारेंगे नहीं, उसको खून आएगा तो हम लोगों को, क्योंकि तो अपना खून है अपना शरीर है अपना है अपना हड्डी का हड्डी है, क्योंकि अपना पिता का बेटा है ना, जरूर उनका बाप माँ का बेटा नहीं लेकिन पिता का बेटा, क्योंकि उसके पिता का तो चार पत्नी है, चार पत्नी मतलब 13 बच्चे, 12 लड़का एक लड़की है, सबका मीट पहले वाली का 6 बच्चे फिर उसके बाद 2 फिर 2 फिर ऐसे करके 13 हो गया। इन लोगों को फिर भी कुछ भी है तो अपना है ना, इसको क्यों हम लोग हाथ उठाएंगे, क्योंकि हमारा भाई हमारा हड्डी और मांस है। सो उसके भाइयों ने उसके बात मान लिया, फिर उसके भाई लोग और बाकी लोग जो थे ना उन लोग मान लिया यहूदा का
पिता मिधानी व्यापारी इधर से होकर उनके पास आए, तब वो लोग देखा कि भीड़ है, क्या है भाई करके, वो लोग बस ऐसे उन लोगों के पास जब आए तो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाले, रस्सी डाल के खींचे होंगे और इस्माइलियों के हाथ आज चांदी के 20 टुकड़े में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र में ले लिया, ले गया। 20 टुकड़ा, 20 चांदी का टुकड़ा से क्या कर दिया लोग, बेच करके बाय पूरा कर दिया, वे लोग खरीद लिया दास का रूप में, नौकर का रूप में लेकर के गुलाम खरीद के ले जा रहे हैं। यहाँ हम क्या देखने जा रहे हैं मालूम है, यूसुफ को यीशु मसीह का तुल्य में हम आपको बताना चाहते हैं। यीशु मसीह पुराने नियम का जो यूसुफ है वो यीशु मसीह का तुल्य है, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं उसके बाई लोग उसको मजाक करने लगे, जैसा हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे मारने से पहले वहां जितने लोग थे लोग क्या करने लगे, यीशु मसीह को देख करके मजाक उड़ाने लगे, मारने लगे और कपड़ा छीन लिए, मालूम है ना, पढ़ेंगे हम लोग 27-31 पढ़ेंगे, 27-31 जब उसे मरना कर चुके हैं तो बाबा उस पर सुतार कर क्या किया, जब ये उसके टट्ठा कर रहे थे जैसे यूसुफ को लोग टट्ठा किया, आ रहा देखो स्वप्न देखने वाला, तो ऐसे ही यहाँ यीशु मसीह के लोग क्या कर रहे हैं, टट्ठा करने लगे और तो भागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहना है और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले, क्या किए पूरा उतार दिए उसके ऊपर का यीशु मसीह का ऊपर, यीशु मसीह हम लोगों से प्रेम किया, पिता जो यहाँ यूज किया याकूब जो है परमेश्वर का तुल्य, यहाँ पर आप देखते हैं जैसे याकूब यूसुफ से प्रेम किया वैसे ही पिता परमेश्वर यीशु से प्रेम किया और हम लोगों को बचाने के लिए, हम लोगों को संभालने के लिए, हम लोगों को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, हमारे पापों के लिए हम लोग जो कर्म किए, हम लोगों ने तो ये किए परमेश्वर के विरोध में, हमारे पापों से हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र को एक पुत्र यीशु मसीह को भेजे। वैसे ही पिता याकूब अपने बेटा को बोलते, यूसुफ को बुला के बोलते, बेटा उसे बहुत प्रेम करते थे ना, इसलिए उसे बचा बेटा, भाई लोगों को कुशल लेकर के आओ। वैसे ही ऊपर से स्वर्ग से उतर के नीचे आए यीशु मसीह को लेके, यीशु मसीह आए वहां करके हमारे लिए मरे, हमारे लिए मार खाए, हमारे लिए कोड़ा खाए, हमारे लिए धूप उठाए, हमारे लिए लोगों ने उनको मुंह पे थूका और उनका कपड़ा को उखाड़ा और इतना उनके साथ परेशानी किया। वैसे ही यहाँ उनके जीवन में हम देखते हैं यूसुफ के साथ यही हुआ, यूसुफ को किसी बात को किसी काम के लिए परमेश्वर इसको चुना है, यूसुफ के द्वारा इस परिवार के लोग राकेबेल इस परिवार पूरा इजरायली उनके लिए एक छुटकारा मिलने वाला था, उन लोगों के लिए कुछ आने वाला दिन में कुछ ऐसा योजना बना के परमेश्वर ने यूसुफ को भेजा था, जैसे यीशु मसीह को भेजे कि पूरा संसार के लोगों को पापों के लिए मरना है, उनके पाप श्रापों को दूर करना है करके, इसीलिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र धरती में भेजा। वैसे ही याकूब अपने बेटा को भेज के जाकर बैठ जाए जाकर अपने भाई लोगों को कुशल ले देख लिया, बोले ठीक ठाक है ना, भेड़ बकरियां सब ठीक है ना, लेकिन लोगों ने उसको नहीं समझा, बस उसको क्या किया, बस उसको दूर से आने के समय प्लान बनाया। वैसे जैसा हम जानते हैं कि यीशु मसीह को मारने के लिए कितना लोग रचाने लगे, ऐसा करने लगे, विरोधी लोग सब पूरा उन लोगों के विरोध में बोलने लगे, वैसा उसको भाई को उनके विरोध में बोलने लगे इनको मारने के लिए, लेकिन ऊपर ने बोला नहीं 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 अभी नहीं मारना, उसको अपना भाई लेना, ऐसा करते जैसे उसको गड्ढे में गिराया वैसे तो यीशु मसीह को स्वर्ग से नीचे आए, नीचे आकर के अपने लिए बलिदान करने के लिए। हम देख रहे हैं कि 20 शेकल टुकड़ा यानी 20 टुकड़ा चांदी का टुकड़ा में जैसा उनको बेच डाले, वैसे ही हम देखते हैं यहूदा जो है
ही सिक्का के लिए, शांति का सिक्का के लिए यीशु मसीह को भेज रहा है। कारण उनको भगवाना पैसा का लालच, पैसा का लोभ। ये लोग क्या सोचा, इस 20 सिक्के को लेकर के हम अपना उड़ाएंगे, अपना बाइक, इसके लिए कोई मतलब नहीं है। आने वाले दिन में क्या हो रहा है, इन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। बस इन लोगों को बस यही है, बाइक जिंदा नहीं रहा, ये जिंदा रहेगा हमारा कुछ होने वाला नहीं है। पिता हम लोग से प्रेम नहीं करेगा, हमें आगे ये करे सोचता है कि इसको हम लोग दंडवत करेंगे, ये सोचता है कि इसका, इन लोगों का मन में ये था इसका जो स्वप्न होगा कैसा होगा देखते हैं। अरे अभी तो तुमको बेच दिए ना, देखते हैं तुम्हारा स्वप्न कैसा होगा। ऐसा करके उसके साथ इतना प्रताड़ित करके उनको बेच डाला। हो सकता है आपके जीवन में आप सोचते होंगे कि हमारा साथ ऐसे क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं सिर्फ मेरे परिवार में मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा, जहाँ हम काम करते जहाँ हम रहते हैं मेरे जीवन ऐसे लगता है कि कोई काम कर नहीं कोई बेकार ही ना। आपको मालूम होना चाहिए वचन में लिखा है कि नीति वचन 23:18 पढ़ेंगे, नीति वचन 23:18, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा नहीं टूटेगा। अंत में फल होगा, तेरी आशा नहीं टूटेगा। आपकी आशा, आप तो सोचते लगता होगा कि हमारा सब खत्म है, नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर निश्चय हमारा जीवन में एक ऐसा काम करने के लिए प्लान बना के हर किसी को भेजा है। हर एक को जीवन में परमेश्वर इसीलिए चुना, इस बिहार में, इस बेंगलोर में, इस पूरा विश्व भर में परमेश्वर हमें चुना है। इसका मतलब मेरे द्वारा कुछ काम होना है, आपको परमेश्वर चुना है, इसका मतलब आपके जीवन के द्वारा कुछ होना है। आप ऐसे ही नहीं आ गए, एक्सीडेंटली बोल नहीं सकते हैं। परमेश्वर हरेकों को कुछ योजना बना करके ही परमेश्वर इस धरती पे लाया है। आपको मालूम होना चाहिए हरेकों को परमेश्वर ऐसा अभिषेक दिया है जिसके द्वारा आप लोगों के द्वारा परमेश्वर एक बहुत बड़ा जो दर्शन, एक बहुत बड़ा काम पूरा होना है। समस्त इसराइलियों को बचाना है, पूरा याकूब का परिवार 70 लोग थे, ये लोग भूखे मर जाएगा, भूखे नहीं मरना है। इसलिए यूसुफ को परमेश्वर चुन लिया था, इसको ऑलरेडी तैयार करके मिस्र देश में ये लोग बेच भी दिया जाओ। लेकिन इन लोग सोच रहा है इसका दर्शन खत्म हो जाएगा। शैतान भी सोचता है हमें ऐसे ऐसे बातों को हमारे जीवन में डाल के, हमारे मन में डाल करके कि ऐसे हमारा अंदर ऐसे नेगेटिव पॉइंट को हमारा माइंड में डालेगा, बस खत्म है, बेकार है, तुम कोई काम का नहीं है, तुमसे कुछ होने वाला नहीं है करके शैतान हमारा मन में बात करेगा। उसको हम मान लेते हैं, हाँ मैं कोई काम का नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं ऐसा हूँ करके कई बार हम निराश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारा जीवन में कुछ ऐसा आंधी तूफान आता है, इसका मतलब समझना है परमेश्वर हरेकों के जीवन में कुछ ऐसा काम करने पर है। हालेलुया। जब हम सोचते हैं हम पीछे के हो जा रहे हैं, जब हम सोचते हैं कि कुछ लाभ नहीं है, जब हम सोचते हैं हमसे कुछ हो नहीं रहा है, लगता है कि सब खत्म है, उसी समय परमेश्वर हमारा अंदर एक आशा को उत्पन्न करता है, हमारा आशा नहीं टूटेगा। हालेलुया। भाई लोगों ने सोचा यूसुफ को मार डालेंगे, लेकिन उसका बड़ा भैया रूबेन ने मना कर दिया, फिर उसको क्या कर दिया, 20 शेकल से बेच दिया। बेच करके सोचा ए स्वप्न देखने वाला खत्म है, जाओ आज तुम्हारे पिताजी 2 दिन रोएंगे, 3 दिन रोएंगे, 1 महीना रोएंगे, इसके बाद तुमको भूल जाएंगे, हमारे परिवार में से तुमको मिट जाएगा तुम, ऐसा सोचा था। लेकिन परमेश्वर जिसके साथ है परमेश्वर से नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हो सकता है आप सोचते होंगे कि हमारा जीवन खत्म है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे आप देखेंगे उसी वचन में 37:28 से 28 हम देखते हैं, फिर इसके बाद ये लोगों ने क्या किया, सर यूसुफ के भाइयों ने उसे क्या किया, उन लोगों से कीच उसको ऊपर से कीच कर उसको बेच दिया। और रूबन ने गड्ढे पर लौट कर, उस समय रूबन नहीं था, वो कहीं चला गया था, फिर लौट कर क्या कर देख रहा, भाई नहीं है, सोने लगा, चिल्लाने लगा, कुछ होने वाला है, उनको तो अपने भाई को भी नहीं बताया कि हमने बेच डाला। फिर इसके बाद क्या हुआ, तो अपने भाइयों के पास लौट कर कहने लगा कि लड़का तो नहीं है,
हर मेकिंग अ चौंक, कहाँ करेंगे, क्या करेंगे। और तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया, वो जो कपड़ा जो रंग बिरंगी कपड़ा जो पहना था, जो फाड़ दिया था उसको लिया, लेकर के क्या किया ना, कई लोग दिमाग में से चिल्लाया, क्या किया, एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया, और उन्होंने उस रंग बिरंगी अंगरखे रंगरखे को अपने पिता के पास भेज कर कहला दिया कि हमको यही मिला है, सो देख कर पहचान ले कि ये तेरे पुत्र का अंगरखा ले गया। मरे वो लोग प्लान बना रहा, शैतान सोचता है कि हमारा अंदर हमारे लिए परमेश्वर ने जो अंगरखे जो वस्त्र दिया है, जो जो हमें बचाने का हमारा अंदर परमेश्वर धार्मिकता का जो वस्त्र, हमारा परमेश्वर ने हमारे ऊपर जो विश्वास की जो वस्त्र जो पहनाया है उसको फाड़ने के लिए शैतान सोचा था, फाड़ के फेंकने के लिए सोचता है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कर सकता है। शैतान यही सोचता है हमारा जो अंग रक्षक है, हम जो अंग जो हमारा परमेश्वर है उसको फाड़ के फेंक देंगे, उसको निकाल देंगे करके शैतान प्रयास करता है, जैसे यूसुफ का साथ किया है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है अपने लहू से क्या किया, हमें धो डाला है। शैतान सोचता है कि हमें फाड़ देंगे, हमें खत्म कर देंगे, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, अपने क्या किया है, अपने लहू बहा करके जो वस्त्र जो शैतान छू नहीं सकता है उसको परमेश्वर उससे हमें क्या कर दिया है, डुबा दिया, उसको हमें पहना दिया, उस उधार का कपड़ा को परमेश्वर हमारे अंदर पहना दिया। शैतान प्रयास करता है उसको फाड़ने के लिए, लेकिन परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है। सबाई ने क्या किया, लहू में डुबा के अपने पिताजी के पास भेजा है, तो पिताजी देख करके रोने लगता है, अरे तो मेरे बेटा का कपड़ा पहचान करके रोने लगा। फिर बहुत कुछ यहाँ पर आप देखेंगे, और उसके बेटा बेटियों ने भी उसके शांति देने का यत्न किया और उसके शांति नहीं मिला, क्योंकि इतना प्रेम के बेटा बेटी बाकी नाटक कर रहा है, मार डाला मेरा पिताजी को, शांति दे रहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, आपको कुछ बेटा कुछ हो गया तो क्या करेंगे, पिताजी आप मत रोइए, सब यही लोग किया, और यही लोग पिताजी को तरस उनको सताइए करने तसली देने लगे। और लेकिन क्या हुआ, निदान लोग ने क्या किया, यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीफार नामक एक फिरौन के हाकिम और जल्लदों के प्रधान के हाथ में उसको क्या कर दिया, बेच दिया। इधर निदान लोग लेके गया, फिर वहां जाकर के पोतीफार नामक वहां का एक प्रधान है उसको यूसुफ को बेच डाला। आइए इस वक्त अपने आप को अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हो सकता है आपके जीवन में आप सोचते होंगे कि हमारा जीवन बस नहीं है, मैं कोई काम कर नहीं हूँ, आपको देख करके आप लोग जलन करता होगा, आपको देख करके लोग क्रोध करते होंगे, लेकिन आपको एक बात मालूम होना चाहिए, परमेश्वर हरेकों को परमेश्वर अपने लहू बहा करके हमें बचाया है, हमें चुना है आपके द्वारा, परमेश्वर एक बहुत बड़ा काम कार्य करने के लिए परमेश्वर आपको चुना है। आप अपने बारे में मत सोचना कि मैं बेकार हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे लगता है कि बस खत्म है, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गलत है। यूसुफ जरूर बहुत लेट से जन्म जरूर हुआ था, परमेश्वर होने वाले बातों को उसके जीवन में बताया, लोगों ने उसके ऊपर भाई लोगों ने उसको क्रोध किया, उसके ऊपर जलन किया, गुस्सा किया, उसे बात नहीं किया, दूर से ही देख करके उसको मारने के लिए यत्न बनाया, गड्ढे में गिराया, अभी बेच डाला। गड्ढे में गिरने के बाद उसके भाई का चिल्लाना उसको सुनाई नहीं दिया। हो सकता है आपके दुख आपके बगल में रहने वाले, आपके पास में रहने वाले, आपके साथ में रहने वाले, आपके घर वाले नहीं समझते होंगे, लेकिन आप परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता को अच्छा से बना कर रखेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। परमेश्वर किसको सुपर दिखाता है, ताकि पिछले मैंने बताया कि परमेश्वर जिससे अपना समझते हैं, अपना दोस्त, अपना जो प्रिय ब्राइन को परमेश्वर
आने वाले दिनों की बातों को उसको समझाया किया करता था। वैसे ही यूसुफ को परमेश्वर इसीलिए बताया, यूसुफ का रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा था। आप मत सोचना कि मेरा जीवन बस इतना ही है, खत्म है, नहीं 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 नहीं, नहीं। आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करने जा रहे हैं। हो सकता है शैतान आपको नोच के आपको फाड़ने के लिए आपके अंदर की जो परमेश्वर उद्धार की जो कपड़ा जो परमेश्वर आपको पहनाया है उसको फाड़ने के लिए आपको अंदर वो प्रयास करता होगा, लेकिन उसको एकदम सुरक्षित रखने के लिए आप प्रयास करना है। कैसे करेंगे? इस आत्मा में बने रहेंगे, पवित्र आत्मा में बने रहेंगे, वचन में हम लगे रहेंगे, वचन को मान करके चलेंगे। शैतान हमें छू नहीं सकता है। यीशु मसीह को लोगों ने मारा, थूका, मजाक किया और उसका कपड़ा को फाड़ा और उसको 30 सिक्का में उनको बेच डाला। वैसे यहाँ यूसुफ के जीवन में यही हुआ, उसके भाई लोगों ने मजाक किया, उसका कपड़ा को फाड़ा और गड्ढे में गिराया और उसको 30 सिक्का में उसको बेच डाला। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत बड़ा काम हमारे जीवन में होने वाला है। लोग सोचे इतना सब कर देंगे तो खत्म, लेकिन यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ने के बाद मरने के बाद वहां पर लोग सोचा था खत्म है, लेकिन उसी समय हमारा एक नया जीवन शुरू होने लगा। यीशु मसीह के मरने के कारण हमारा अंदर नया जीवन मिला, परमेश्वर हमें पुनरुत्थान किया, परमेश्वर हमारे अंदर की जो पुराने बातों को उठा के फेंक के परमेश्वर हमें नया बनाने के लिए परमेश्वर को क्रूस में मरना पड़ा। इस वक्त अपने आप को परमेश्वर का आत्मा सौंपते हुए तो हमारा जीवन में कुछ भी हो जाएगा, आप मेरे अंदर जो रखे उस लक्षण को पूरा होने में जो भी रुकावट है उस रुकावट को दूर कीजिए। कई वायदाओं के साथ परमेश्वर आपसे बातें किए होंगे, वायदा हो सकता पूरा नहीं हो रहा होगा कि हमारा अंदर कमी क्या है, परमेश्वर उस कमी को दूर कीजिए करके परमेश्वर का आत्मा अपने जीवन समर्पित करें। अनुग्रहित पिता परमेश्वर क्योंकि यूसुफ के जीवन से जरूर उसके भाई लोगों ने उसको कुछ कुछ समझा, मजाक किया, मारा और उसका कपड़ा को फाड़ा और गड्ढे में गिराया और बेच डाला सामने, लेकिन आने वाला दिन क्या होने वाला है करके वो लोग नहीं जाने के कारण ऐसा उन लोगों का जीवन ऐसे किया सामने। प्रभु जी इन दिनों में हो सकता हमारे द्वारा हमारे अंदर हमारे लोगों के अंदर कितना किस प्रकार के संघर्ष में लोग गुजर हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर इनके अनेकों के द्वारा आने वाले दिन में परमेश्वर बहुत बड़ा काम इन लोगों के द्वारा तो करने पर है। उसके लिए परमेश्वर अपने जीवन को तैयार करने के लिए पवित्रता का साथ जीवन बिताने के लिए वचन में बने रहने के लिए वो तो सहायता पूरे के लिए स्वामी आशीष जन्म रहते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।